RescueLab and never miss another update. है गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर के बारे में दोस्तों, जो 100% एग्ज़ाम के अंदर आएंगे। दोस्तों मैं आपको जो 7 क्वेश्चन दूंगा, ये 7 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, उनमें से मैक्सिमम 100% 5 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। हमने बहुत से वीडियोज़ बना रखे हैं अलग अलग मॉडल पेपर के, अलग अलग सब्जेक्ट के, हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग की और दोस्तों क्लिनिकल पैथोलॉजी के, तो आप देख सकते हैं सभी को। और साथ ही साथ में आज हम मैंने सोचा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बना देता हूं, क्योंकि कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना अच्छा सपोर्ट किया और हमारे यूट्यूब चैनल को ग्रो होने में आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और जो हमारे यूट्यूब चैनल है वो आज 12,000 सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हो गए हैं। थैंक यू सो मच सभी का गाइज। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस YouTube चैनल के ऊपर DMLT से रिलेटेड हर एक वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। दोस्तों आपके डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है पेपर, आप देख लीजिए। चाहे तो दोस्तों अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाके क्लिक करेंगे ये पेपर आपके सामने खुल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। दोस्तों आपको फिजियोलॉजी बतानी है रेस्पिरेशन की, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, फिजियोलॉजी बतानी है रेस्पिरेशन की। फिर उसके बाद में शॉर्ट नोट्स में आप आ जाते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। शॉर्ट नोट के अंदर सबसे पहले आ गया ट्रेकिया, लंग्स, लैरिंग्स और फेरिंग्स। आपको ट्रेकिया, लंग्स, लैरिंग्स और फेरिंग्स ABC के हिसाब से ही बताने हैं। और दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप ABC के हिसाब से आते हैं तो आपको, आप चाहे ऐसे कर सकते हैं, डी पहले कर सकते हैं, सी पहले कर सकते हैं या बी पहले कर सकते हैं, बट आपको क्या करना होगा, इनको एक साथ ही करना है। ऐसे नहीं कि पहले आपने केवल ए किया और फिर सेवन्थ वाला क्वेश्चन कर लिया, आपको बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। जो भी सीरियल वाइज दिया गया है आप आगे पीछे कर सकते हैं, जो आपको आ रहा है पहले वो आप कर सकते हैं, बट जो ABC है उसको उसके साथ ही करना है, सेकंड वाला क्वेश्चन उसके साथ ही करना है। फिर उसके बाद में जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उस, ये भी शॉर्ट नोट्स है दोस्तों। इसमें ट्रंक हो गया, सलेवरी ग्लैंड हो गया और स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया और गोल ब्लैडर हो गया। दोस्तों ए वाला ट्रंक है, बी वाला सलाइवरी ग्लैंड है और सी वाला स्मॉल इंटेस्टाइन है और डी वाला गोल ब्लैडर है। तो दोस्तों ऐसे में जो आपको अच्छा आता है उसको आप चाहे तो स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर आपको अच्छा आता है तो आप सी डालकर फर्स्ट ये कर सकते हैं, फिर उसके बाद में बी डाल के, बट करने आपको इस थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर ही है। फिर उसके बाद में जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ हार्मोन। दोस्तों आपको डिस्क्राइब करना है स्ट्रक्चर पिट्यूटरी ग्लैंड का और साथ ही साथ में आपको एक्सप्लेन करने फंक्शन ऑफ हार्मोन, मतलब आपको जो भी हार्मोन के फंक्शन होते हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करने हैं। फिर दोस्तों जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है फिफ्थ वाला क्वेश्चन। इसके अंदर आपको क्या करना है, जो आप देख सकते हैं आपकी डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है, सॉरी दोस्तों इसमें ABC गलत हो चुका है, यहाँ पे ABCD है दोस्तों। इसके अंदर क्या है दोस्तों, आप देख लीजिए, लेयर ऑफ स्किन, यूरिनरी ब्लैडर और नेफ्रॉन किडनी। दोस्तों आप देख लीजिए ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन। फिर उसके बाद में सिक्स वाला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियाटिक ग्लैंड एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द हार्मोन। दोस्तों आपको पेनक्रियाटिक ग्लैंड के बारे में बताना है और उसके जो फंक्शन होते हैं वो आपको बताने हैं हार्मोन के। फिर उसके बाद में सेवन्थ वाला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमच विद डायग्राम। दोस्तों डायग्राम जब तक आप बढ़िया नहीं बनेंगे, आपकी डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है, आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आप देख लीजिए, ऐसा डायग्राम वेल डायग्राम होगा। जब तक आपका वेल डायग्राम नहीं होगा दोस्तों, वेल थ्योरी नहीं होगी, तो कैसे एग्जामिनर आपको बढ़िया नंबर देंगे। और दोस्तों मैक्सिमम बैक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर लगती रहती है, क्यों दोस्तों इसको स्टूडेंट लाइटली लेते हैं, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं। और थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आपकी डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है ये डायग्राम, आप चाहे तो बना सकते हैं या डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज के वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों साथ ही साथ में आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़।